दिस इज सीन इन द बैक्टीरिया कॉजिंग ट्यूबरक्लोसिस, यह देखा गया है जिस बैक्टीरिया के कारण टीबी होता है। इफ दे एंटर थ्रू द माउथ, यदि वो मुंह के माध्यम से एंटर करता है, दे कैन स्टे इन द गट लाइनिंग लाइक टाइफाइड कॉजिंग बैक्टीरिया। तो वो दे कैन स्टे, वो कहाँ रुक सकते हैं? गट लाइनिंग, गट लाइनिंग मतलब पेट के किनारे पर, मुंह के अंदर से जाके सीधे पेट के किनारे पर रुक जाते हैं और जिसके कारण टाइफाइड हो जाता है। और दे कैन गो टू द लिवर, और अगर वो लिवर में चले जाते हैं तो लाइक वायरस दैट कॉज जॉइंटिस, तो उन वायरस के कारण क्या हो जाता है? जॉइंटिस हो जाता है, पीलिया हो जाता है। तो जिस पार्ट में वो चले जाते हैं उसके अकॉर्डिंग बीमारी हो जाती है। बट दिस नीडंट ऑलवेज बी द केस, लेकिन इस केस में हमेशा इसकी जरूरत नहीं है। एन इन्फेक्शन लाइक एचआईवी, जैसे कि किस केस की बात हो रही है यहाँ पे? एचआईवी की बात हो रही है। एचआईवी में वो कहीं से भी एंटर करे उस पार्ट को इन्फेक्ट नहीं करेगा, पूरी बॉडी को इन्फेक्ट करता है। कैसे, आइए देखते हैं। एन इन्फेक्शन लाइक एचआईवी, कोई इन्फेक्शन जैसे कि एचआईवी दैट कम्स इन टू द बॉडी वाई अ सेक्सुअल ऑर्गन, जो बॉडी में आता है सेक्सुअल ऑर्गन के माध्यम से, विल स्प्रेड टू लिम्फ नोड ऑल ओवर द बॉडी, और लिम्फ नोड के माध्यम से वो पूरे शरीर में फैल जाता है। मलेरिया कॉजिंग माइक्रोब, माइक्रोब के कारण जो मलेरिया होता है, एंटरिंग थ्रू अ मॉस्किटो बाइट, वो कैसे एंटर करता है बॉडी में? मच्छर के काटने से। विल गो टू द लिवर, फिर वो लिवर में जाता है, एंड देन गो टू द रेड ब्लड सेल, और फिर लाल रक्त कणिकाओं में जाता है। द वायरस कॉजिंग जैपनीज इंसेफेलाइटिस और ब्रेन फीवर विल सिमिलरली एंटर थ्रू द मॉस्किटो बाइट। वायरस के कारण जो जैपनीज इंसेफेलाइटिस होता है, या जिसको कि ब्रेन फीवर भी कहते हैं, उसमें भी ठीक इसी प्रकार मॉस्किटो बाइट के माध्यम से ही बैक्टीरिया शरीर के अंदर जाते हैं, वायरस बैक्टीरिया जो भी है। बट इट गोज द इन्फेक्ट द ब्रेन, लेकिन ये बॉडी में जाने के बाद क्या करते हैं? ब्रेन को इन्फेक्ट करते हैं। इनका जो टारगेट होता है वो ब्रेन होता है। द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ अ डिजीज विल दस डिपेंड ऑन द टिश्यू और ऑर्गन विच द माइक्रोब टारगेट। द साइन मतलब एंड सिम्टम्स, जो संकेत है और जो लक्षण है ऑफ डिजीज, बीमारी के जो भी संकेत है, जो भी लक्षण है, वो इस बात पर निर्भर करते हैं कि जो माइक्रोब है उसने बॉडी के किस टिश्यू को या ऑर्गन को टारगेट किया है, उसके आधार पर सिम्टम्स निर्धारित होते हैं। इफ द लंग्स आर टारगेट, यदि लंग्स को टारगेट किया गया, निशाना बनाया गया लंग्स को, देन सिम्टम्स विल बी कफ एंड ब्रीथलेसनेस। तो सिम्टम्स, लक्षण क्या होंगे कि आपको कफ होगा, खांसी होगी और सांस लेने में तकलीफ होगी। इफ द लिवर इज टारगेटेड, अगर लिवर को टारगेट किया गया है, देयर विल बी जॉइंटिस, तो जॉइंटिस हो सकता है, पीलिया हो सकता है आपको। इफ द ब्रेन इज टारगेट, यदि ब्रेन को टारगेट किया गया है, वी विल ऑब्जर्व हेडेक, वॉमिटिंग, फिट्स और अनकॉन्शियसनेस। तो हमें क्या होगा? सरदर्द होगा, उल्टी आएगी और फिट्स, दौरे पड़ेंगे और अनकॉन्शियस, अचेतन की अवस्था आ जाएगी। वी कैन इमेजिन व्हाट द सिम्टम्स एंड साइन ऑफ एन इन्फेक्शन विल बी, हम ये इमेजिन कर सकते हैं कि क्या संकेत और क्या लक्षण होंगे इन्फेक्शन के। इफ वी नो व्हाट द टारगेट टिश्यू और ऑर्गन इज एंड द फंक्शन दैट आर कैरिड आउट बाय दिस टिश्यू और ऑर्गन, अगर हमें ये पता हो कि किस टिश्यू या ऑर्गन का क्या कार्य है, तो हम जो भी लक्षण होंगे उनको नोटिस कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। जैसे कि पेट में अगर इन्फेक्शन है, पेट का काम है डाइजेशन, आपका डाइजेशन खराब हो जाएगा, लूज मोशन हो जाएंगे आपको, आपको वॉमिटिंग जैसा कुछ लगेगा, तो इसका मतलब पेट में कुछ इन्फेक्शन हो रहा है। आपको सर में दर्द हो रहा है, सर में अगर उसने टारगेट किया है बैक्टीरिया वायरस ने, तो आपको कंटिन्यूसली सर में दर्द होगा, हल्का हल्का या बहुत तेज हो जाएगा, कभी कम हो जाएगा, तो मतलब सर में टारगेट किया गया है। इसी तरीके से कहीं लंग्स में अगर उसने टारगेट किया है तो आपको सांस लेने में तकलीफ होगी, कफ कोल्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपको पता है कि जो बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं और जो टिश्यू है वो क्या कार्य करते हैं, किस पार्ट का बॉडी और ऑर्गन जो है क्या काम करता है, तो आप इस सिम्टम्स को, इस लक्षण को आसानी से सोच सकते हैं कि उसके कारण कौन से लक्षण प्रदर्शित होंगे, दिखाई देंगे। इन एडिशन टू दीज टिश्यू स्पेसिफिक इफेक्ट ऑन इन्फेक्शियस डिजीज, इन टिश्यू का इसके अलावा जो है विशेष प्रभाव होता है इन्फेक्शियस डिजीज का। देयर विल बी द अदर कॉमन इफेक्ट टू, और इनके दूसरे कॉमन इफेक्ट भी हैं। मोस्ट ऑफ दीज कॉमन इफेक्ट डिपेंड ऑन द फैक्ट दैट द बॉडीज इम्यून सिस्टम इज एक्टिवेटेड इन रेस्पॉन्स टू इन्फेक्शन। दूसरे जो सिम्टम्स हैं वो मोस्ट ऑफ द कॉमन इफेक्ट डिपेंड, ज़्यादातर जो इफेक्ट हैं वो इस बात पर डिपेंड करते हैं कि बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो बीमारी के प्रति लड़ने के लिए एक्टिवेट हो गया है या नहीं, इस पर डिपेंड करते हैं। एन एक्टिव इम्यून सिस्टम, अगर बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिव हो गया है, तो एक्टिव इम्यून सिस्टम कैसे रेस्पॉन्ड करेगा?
recruits many cells to the affected tissue to kill off disease causing microbe. वो क्या करेगा, उसको recruit कर देगा. Recruit मतलब जो cell है उस affected part के जो cell है उनको hyperactive कर देगा, उनको ज्यादा active कर देगा, उन cells के अंदर energy भर देगा. तो उस part के जो cell है वो active हो जाएंगे. Active होने के बाद क्या करेंगे, disease causing microbe, जो microbes के कारण जो बीमारी हो रही है उस microbes को वो मार देंगे. दिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज कॉल्ड इन्फ्लेमेशन. ये जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है, जो एनर्जी देने का प्रोसेस है सेल्स को, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, इन्फ्लेमेशन कहलाता है. एज अ पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस, इस क्रिया में देयर आर लोकल इफेक्ट सच एज स्वेलिंग, पेन एंड जनरल इफेक्ट सच एज फीवर. इस क्रिया में क्या होता है कि लोकल इफेक्ट आपको दिखाई देते हैं. लोकल इफेक्ट माने कि उस एरिया में आपको किसी तरीके का इफेक्ट प्रभाव दिखाई देगा, जैसे कि सूज जाएगा वो हिस्सा, या फिर दर्द होने लगेगा, या फिर थोड़ा बहुत फीवर आ जाएगा इसके कारण. जैसे कि आपने कई बार देखा होगा कि आपको चोट लग जाती है तो बॉडी के जो उस पार्ट के टिश्यूज हैं वो रिक्रूट होना शुरू हो जाते हैं. तो चोट लगने के कारण आपने कई बार महसूस किया होगा कि वो पैर में मान लीजिए चोट लगी तो वो पैर का उतना हिस्सा आपका स्वेल कर गया है. स्वेल करने का मतलब है उस टिश्यूज, उस पार्ट के जो टिश्यूज हैं उनको रिक्रूट करा गया है, जिसके कारण क्या है वो हिस्सा स्वेल हो गया है. स्वेल होने का मतलब यह है कि अंदर जो टिश्यूज हैं वो फाइट कर रहे हैं कोई इन्फेक्शन अगर उसके अंदर चला गया है तो, उसको किल करने के लिए. तो स्वेल हो जाएगा वो हिस्सा और उसमें दर्द होगा. और कभी कभी आपने देखा होगा कि जब हम बहुत ज्यादा थक जाते हैं या हमें कभी बहुत ज्यादा चोट लग जाती है तो उस चोट के कारण हमें बुखार आ जाता है. वो बुखार और कुछ नहीं है, वो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए ही आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी अंदर जो है जो सेल्स हैं वो रिक्रूट होकर आपकी हीलिंग कर रहे हैं अंदर से, इसलिए आपको बुखार आ जाता है, स्वेलिंग, सूजन आ जाती है या दर्द होता है. आपको प्रोटेक्ट करने के लिए ही होता है. और आपने ये भी महसूस किया होगा कई बार आप मेडिसिन नहीं लेते हैं और कोई चोट लग गई और हल्का सा आपका घुटना सूज गया, मान ले साइकिल से आप गिर गए, तो ऑटोमेटिकली ठीक भी हो जाता है. तो ये बॉडी का अपना ऑटोमेटिक सिस्टम है. आइए आगे देखते हैं. इन सम केसेस, कुछ केस में क्या होता है, टिश्यू स्पेसिफिसिटी ऑफ द इन्फेक्शन लीड टू वेरी जनरल सीमिंग इफेक्ट. कुछ केस क्या होता है, टिश्यू जो है विशेष रूप से जो इन्फेक्शन है उसके लिए मतलब नकली इफेक्ट पैदा कर देता है. मतलब कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारे दर्द हो रहा है, या जैसे बच्चे होते हैं कि बस वो गिरने से ही इतना डर जाते हैं कि उन्हें लगता है कि बहुत दर्द हो रहा है, पर एक्चुअल में दर्द होता नहीं है. सीमिंग इफेक्ट का मतलब है झूठी काल्पनिक दर्द. जैसे कई बार दर्द नहीं है लेकिन हम दिमाग से सोच लेते हैं दर्द हो रहा है तो वाकई में हमें दर्द महसूस होता है. तो मतलब जो काल्पनिक डर होता है, मन का नकली डर, नकली जो पेन है, झूठा पेन जिसको कहते हैं, ठीक है, तो वो उसका मतलब है सीमिंग इफेक्ट, जो वास्तविकता में है नहीं है पर आप महसूस कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल इन HIV, अब इसको उदाहरण से अच्छे से समझते हैं कि मतलब किस तरीके के झूठे दर्द होते हैं. जैसे कि HIV इन्फेक्शन, किसी को HIV इन्फेक्शन है, द वायरस गोज टू द इम्यून सिस्टम. तो वायरस कहाँ जाता है, उसके इम्यून सिस्टम में जाता है एंड डैमेज इट्स फंक्शन, और उसके कार्य को डैमेज कर देता है. इम्यून सिस्टम का मतलब है आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता होती है आपकी शरीर की, उसको इम्यून सिस्टम कहते हैं. तो वो जो वायरस है वो वहां पर जाता है और उसके कार्य को जो है डैमेज कर देता है उसके. दस मैनी ऑफ द इफेक्ट ऑफ HIV/AIDS आर बिकॉज ऑफ द बॉडी कैन नो लॉन्गर फाइट ऑफ द मैनी मेजर इन्फेक्शन दैट वी फेस एवरी डे. इस प्रकार मैनी ऑफ द इफेक्ट ऑफ HIV के बहुत सारे प्रभाव जो है वो इसलिए होते हैं क्योंकि बॉडी कैन नो लॉन्गर फाइट, बॉडी जो है बॉडी का इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई है और जो साधारण जो इन्फेक्शन है जो डेली हमारे एवरीडे लाइफ में होते रहते हैं उनसे वो नहीं लड़ पा रही, हमारी बॉडी फाइट बैक नहीं कर पा रही है. इंस्टेड एवरी स्मॉल कोल्ड कैन बिकम निमोनिया. तो इसके बजाय क्या हो जाता है, जब वो फाइट नहीं कर पाती है तो सिंपल सा अगर जुकाम भी हो जाता है HIV/AIDS के पेशेंट को, तो उसको वो सिंपल सा जुकाम उसको निमोनिया बना देता है. मतलब इतनी बॉडी वीक है कि जुकाम खांसी जैसी छोटी सी बीमारी से लड़ने के लायक भी नहीं रह गई, तो उसका सिंपल सा जुकाम भी निमोनिया बन जाता है. सिमिलरली ठीक इसी प्रकार से क्या होता है, माइनर गट इन्फेक्शन, हल्का सा पेट में कोई इन्फेक्शन हो जाएगा, कैन प्रोड्यूस अ मेजर डायरिया, उसके कारण डायरिया हो जाता है जिसमें ब्लड भी आता है. अल्टीमेटली अंत में क्या होता है, इट इज दीज अदर इन्फेक्शन दैट किल पीपल सफरिंग फ्रॉम HIV/AIDS. अंत में क्या होता है कि इस तरीके की बीमारी से जो लोग ग्रसित हैं, जो लोग परेशान हैं, वो लोग बीमारी से नहीं मरते
वो लोग इस प्रकार के जो छोटे छोटे इन्फेक्शन होते हैं, ये छोटे इन्फेक्शन उनके शरीर में बहुत बड़ा रूप ले लेते हैं और इसके कारण उन लोगों की डेथ हो जाती है, क्योंकि एचआईवी उनके बॉडी के इम्यून सिस्टम को पूरी तरीके से वीक कर देता है। इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट द सेवरिटी ऑफ डिजीज मैनिफेस्टेशन डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ द माइक्रोब इन द बॉडी। सेवरिटी ऑफ डिजीज ऑफ मैनिफेस्टेशन, इट इज ऑल्सो रिमेंबर दैट, ये याद रखना भी जरूरी है कि रोग व्यक्त होने की जो तीव्रता है, यानी जो हमारा रोग किस स्पीड से दिखाई दे रहा है, व्यक्त हो रहा है, शरीर से दिख रहा है, डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ द माइक्रोब, वो डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी में कितने परसेंट माइक्रोब्स है, कितने परसेंट आपकी बॉडी में इन्फेक्शन हुआ है। कभी कभी ऐसा होता है, मैं बहुत हल्का हल्का बुखार आता है और हम एक टेबलेट खाते हैं और ठीक हो जाते हैं, इसका मतलब जो माइक्रोब्स थे वो नंबर्स में कम थे संख्या में। लेकिन कभी कभी इतने ज्यादा संख्या में माइक्रोब्स होते हैं बॉडी के अंदर और वो मल्टीप्लाई होते चले जाते हैं कि हम लगातार दवाई खाते हैं फिर भी हम ठीक नहीं होते। तो डिपेंड करती है कि आपकी बीमारी कितनी सीरियस है, ये कि नंबर ऑफ माइक्रोब्स उसके अंदर कितने हैं, इसके ऊपर निर्भर करती है। इफ द नंबर ऑफ माइक्रोब इज वेरी स्मॉल, यदि नंबर ऑफ माइक्रोब बहुत कम है, द डिजीज मैनिफेस्टेशन मे बी माइनर और अननोटिस, तो बीमारी जो है वो इतनी छोटी होगी कि कभी कभी नोटिस भी नहीं की जाएगी। जैसे हल्का फुल्का सर दर्द होता है आपको, पेट में दर्द है, तब भी आप स्कूल चले जाते हो, जिनको ऑफिस जाना है ऑफिस चले जाते हैं, या हल्का फीवर है 99 बना हुआ है 100 है तो चले जाते हैं ऑफिस इजीली, वो इतना मतलब कभी कभी इतना छोटा होता है हमारा ध्यान ही नहीं जाता, थर्मामीटर लगाते हैं तो पता चलता है अरे 99 बुखार है। बट इफ द नंबर इज वन ओ सॉरी इफ द नंबर इज ऑफ द सेम माइक्रोब लार्ज, अगर यही नंबर माइक्रोब्स का ज्यादा है, द डिजीज कैन बी सेवर एनफ टू बी लाइफ थ्रेटनिंग, तो ये जो बीमारी है ये बहुत कष्ट में होगी, बहुत गंभीर हो जाएगी और इससे इससे क्या है हमारे जीवन के लिए खतरा हो जाएगा, यानी बीमारी इतनी गंभीर हो जाएगी कि हमारी जान पे बनी आती है, मतलब हमारी लाइफ के लिए डेंजरस हो जाती है। द इम्यून सिस्टम इज अ मेजर फैक्टर दैट डिटरमाइन द नंबर ऑफ माइक्रोब सर्वाइविंग इन द बॉडी। इम्यून सिस्टम जो है हमारी बॉडी का रोग प्रतिरोधक क्षमता का जो तंत्र है वो सबसे बड़ा फैक्टर है ये निश्चित करने में कि जो नंबर ऑफ माइक्रोब है वो बॉडी में सर्वाइव करेंगे या नहीं। अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो क्या होगा, जो नंबर ऑफ माइक्रोब आपके अंदर बॉडी के अंदर घुसे हैं वो उनसे फाइट करके उनको किल कर देगा। लेकिन अगर आप वीक इम्यून सिस्टम के हो तो आप जल्दी जल्दी बीमार हो, जैसे आपने देखा होगा बहुत बच्चे बहुत जल्दी जल्दी बीमार हो जाते हैं, जरा सा भी मौसम चेंज हुआ, जरा भी ठंडी हवा चली, बारिश हुई, वो फौरन बीमार हो जाते हैं। इसका मतलब ये है उनका इम्यून सिस्टम इतना वीक है कि जो भी उनके अंदर इन्फेक्शन हो रहा है माइक्रोब्स का उसके उससे बॉडी लड़ नहीं पा रही है। वी शैल लुक इनटू दिस एस्पेक्ट अ लिटिल लेटर इन द चैप्टर, इस एस्पेक्ट के बारे में, इस टॉपिक के बारे में चैप्टर में अभी हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे। 13.3.4 प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, इलाज करने का सिद्धांत, कैसे इलाज किया जाता है। वट आर द स्टेप टेकन बाय योर फैमिली वेन यू आर फॉल सिक, जब आप बीमार हो जाते हो तो आपकी फैमिली क्या स्टेप लेती है। हैव यू एवर थॉट व्हाई यू समटाइम्स फील बेटर इफ यू स्लीप फॉर सम टाइम, क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप थोड़ी देर सो लेते हो तो आप अच्छा महसूस क्यों करते हो। वेन डज द ट्रीटमेंट इन्वॉल्व मेडिसिन, और ट्रीटमेंट में मेडिसिन कब इन्वॉल्व होती है। बेस्ड ऑन वॉट वी हैव लर्नड सो फार इट वुड बी अपियर दैट देयर आर टू वेज टू ट्रीट एन इन्फेक्शन, हमने जो अब तक सीखा है उसके आधार पर दो तरीके हैं किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज को ट्रीट करने के लिए। वन वुड बी टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिजीज, पहला क्या है, हम बीमारी के प्रभाव को कम कर दें, पहला तरीका तो ये है। एंड द अदर टू किल द कॉज ऑफ डिजीज, और दूसरा है कि बीमारी के कारण को ही समाप्त कर दें। फॉर द फर्स्ट, पहले में वी कैन प्रोवाइड ट्रीटमेंट दैट विल रिड्यूस द सिम्टम्स, पहले में हम वो ट्रीटमेंट देते हैं जिसमें कि उसके लक्षणों में कमी आए, जो भी उसके लक्षण प्रदर्शित हो रहे हैं कि उसको शरीर में बुखार आ रहा है, जुकाम खांसी हो रहा है, लूज मोशन हो रहे हैं, तो उसके लक्षण में कमी आई, यानी कि पहले उसके लूज मोशन ठीक हो, उसके जुकाम खांसी में आराम पड़े, ठीक है, तो जो भी उसके लक्षण प्रदर्शित हो रहे हैं उसमें कमी आए। द सिम्टम्स आर यूजुअली बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन, जो लक्षण होते हैं वो अधिकतर किसके कारण होते हैं, सूजन के कारण होते हैं। कई बार जैसे कि आपकी चोट लग गई है तो आपको चोट की वजह से बुखार आ जाता है, ठीक है, तो बुखार किस लिए आया कि आपके पैर में जो सूजन आ गई थी, आप गिर पड़े बाइक से और आपके पैर में चोट आ गई, आपके हाथ में चोट आ गई, तो चोट के कारण जो सूजन आ गई है वो सूजन बॉडी में बुखार कर देती है, बॉडी को गर्म कर देती है। तो सिम्टम्स आर यूजुअली बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन, जो लक्षण होते हैं वो अधिकतर सूजन के कारण होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण से समझते हैं इसको, वी कैन टेक मेडिसिन दैट ब्रिंग डाउन फीवर, तो हम दवाई लेते हैं
तो हमें क्या दवाई दी जाती है? बुखार की दवाई दी जाती है जब हमारी स्वेलिंग आ रही होती है, क्योंकि बुखार से हमारा शरीर तप रहा है और हमारे दर्द भी हो रहा है। तो हमें क्या दिया होगा? हमारे फीवर को डाउन करने की दवाई दी जाती है। फीवर की जब दवाई दी जाती है तो ऑटोमेटिकली फीवर की दवाई में पेन की दवाई भी मिक्स होती है। तो जब हमारा फीवर कम होता है तो ऑटोमेटिकली पेन भी कम हो जाता है। रिड्यूस पेन और लूज मोशंस, तो जब हम फीवर की मेडिसिन लेते हैं तो क्या करती है? दर्द को भी कम कर देती है और लूज मोशन को भी कम कर देती है। वी कैन टेक बेड रेस्ट सो वी कैन कंजर्व आवर एनर्जी, और हम आराम कर रहे हैं बेड पे, जब हमें कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम हो जाती है, फीवर हो गया, चोट लग गई है, सूजन आ गई है, तो हम क्या करते हैं? आराम करते हैं। आराम करने से क्या होता है? हमारे शरीर की जो एनर्जी है वो इकट्ठी हो रही है बॉडी के अंदर, तो यानी हमारी बॉडी की जो पावर है वो बढ़ रही है। दिस विल एनेबल अस टू हैव मोर ऑफ इट अवेलेबल टू फोकस ऑन हीलिंग। दिस विल एनेबल, तो क्या है? अब हम ये हमें क्या कर देती है? जब हमारी बॉडी में एनर्जी इकट्ठी हो गई है तो हमें क्या कर देती है? योग्य बना देती है। हम पावरफुल हो जाते हैं, हम सक्षम हो जाते हैं टू हैव मोर इट अवेलेबल टू फोकस हीलिंग। तो जो हमारे बॉडी में हीलिंग हो रही है उस पर और ज्यादा फोकस करने के लिए। बट दिस काइंड ऑफ सिम्टम्स डायरेक्टेड ट्रीटमेंट बाई इट सेल्फ विल नॉट मेक द इन्फेक्टिंग माइक्रोब गो अवे एंड द डिजीज विल नॉट बी क्योर्ड। इस प्रकार के जो लक्षणों पर आधारित जो इलाज है, सिम्टम्स डायरेक्टेड ट्रीटमेंट, यानी जो भी हमें लक्षण दिखाई दे रहे हैं उसके आधार पर जो हम इलाज दे रहे हैं, इससे क्या होता है? इसका मतलब ये नहीं है कि जो माइक्रोब है वो गोवे, आपके जो भी माइक्रोब है बॉडी के अंदर वो चला गया है, एंड डिजीज विल नॉट बी क्योर, और बीमारी ठीक नहीं होगी। जैसे कि कई बार होता है कि आपको बुखार आ जाता है, बुखार में डॉक्टर आपको 5 डेज की दवाई देता है और हम 2 दिन दवाई खाने के बाद ये महसूस करते हैं कि हाँ हम तो ठीक हो गए, बुखार उतर गया, बुखार नहीं आ रहा है, और फिर हम दवाई लेना बंद कर देते हैं, और फिर क्या होता है 1-1.5 हफ्ते बाद फिर बुखार चढ़ जाता है हमें दोबारा से। तो उसका कारण क्या होता है कि हमने दवाई जो पूरी डॉक्टर ने 5 डेज की थी, हमेशा डॉक्टर इस बात को कहता है, आपने भी इस बात को एक्सपीरियंस किया होगा, लेकिन हम मानते नहीं है कि डॉक्टर कहता है पूरी 5 दिन की दवाई है, पूरी 5 दिन खाना, बुखार आए या ना आए। उसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि जब आप 5 दिन खाओगे तो जितने भी माइक्रोब्स आपकी बॉडी के अंदर वो सब मर जाएंगे। अगर 10% भी माइक्रोब्स रह गए, 90% मर गए, तो वो 10% जो है एक हफ्ते में फिर मल्टीप्लाई हो जाएंगे और संख्या में बढ़ जाएंगे और फिर आपको बीमार कर देंगे। तो होता यह है कि जब हम मेडिसिन 2 दिन खा के बंद कर देते हैं, 3 दिन की दवाई अक्सर फेंक जाती है वो, तो जो बचे हुए थोड़े से कुछ परसेंट माइक्रोब्स जो हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं और आपको अगेन फिर बीमार कर देते हैं। इसलिए जब भी आप किसी भी बीमारी के लिए, बुखार के लिए दवाई लाएं, तो जितना टाइम पीरियड डॉक्टर बताए उतने टाइम पीरियड वो दवाई खानी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर जो टाइम का कैलकुलेशन करते हैं वो माइक्रोब के आधार पर करते हैं कि कितना परसेंट इसको इन्फेक्शन है और कितने दिन में दवाई देने से, एंटीबायोटिक देने से ये माइक्रोब 100% खत्म हो जाएंगे। तो उसके आधार पर वो आपको दिन बताते हैं कि दवाई आपको 5 दिन खानी है, 7 दिन खानी है, 10 दिन खानी है, वट एवर ही सेड, तो उतने दिन आपको खानी होती है। नाउ कम टू द पॉइंट, फॉर वॉट वी नीड टू एबल टू किल ऑफ द माइक्रोब्स, तो हम उससे क्या होता है, माइक्रोब्स को मार सकते हैं अगर हम प्रॉपर मेडिसिन ले रहे हैं। हाउ डू वी किल माइक्रोब, हम माइक्रोब्स को कैसे मार सकते हैं? वन वे इज टू यूज मेडिसिन दैट किल माइक्रोब, एक तरीका तो ये है कि हम दवाई का इस्तेमाल करें जो उस माइक्रोब को मारती हो। वी हैव सीन अर्लियर दैट माइक्रोब कैन बी क्लासिफाइड इन टू डिफरेंट कैटेगरी, लेकिन आपने पहले ये भी पढ़ा है कि माइक्रोब्स जो है अलग अलग वर्गीकरण में, अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाइड है। बहुत तरीके के माइक्रोब्स होते हैं, एक तरीके के तो नहीं होते। कौन कौन से होते हैं? दे आर वायरस, बैक्टीरिया, फंगी और प्रोटोजोआ। ये वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, फंगी होते हैं और प्रोटोजोआ होते हैं। प्रोटोजोआ में सारे एक कोश के जीव आते हैं। ईच ऑफ दीज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विल हैव सम एसेंशियल बायोकेमिकल लाइफ प्रोसेस, इनमें से प्रत्येक ग्रुप के जीव का जो है एक आवश्यक बायोकेमिकल लाइफ प्रोसेस होता है, एक जीवन चक्र होता है इन सबका, विच इज पेकुलियर टू दैट ग्रुप एंड नॉट शेयर्ड विद द अदर ग्रुप। और ये विशेष प्रकार का जो ग्रुप है, इनका जो लाइफ प्रोसेस होता है वो दूसरे ग्रुप से नहीं मिलता है। दिस प्रोसेस मे बी पाथवे फॉर द सिंथेसाइज ऑफ न्यू सब्सटेंस और रेस्पिरेशन, ये जो प्रोसेस है, ये जो क्रिया है, ये मार्ग हो सकता है किसके लिए? नए पदार्थों या श्वसन के संश्लेषण के लिए। यानी इस पाथवे से, इस मार्ग से नए पदार्थ और श्वसन का संश्लेषण हो सकता है, इन दोनों को मिलाया जा सकता है। दिस पाथवे विल नॉट बी यूज बाय अस आइदर, ये मार्ग किसी के द्वारा भी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, इनमें से किसी के द्वारा भी यूज नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आवर सेल मे मेक न्यू सब्सटेंस बाय अ मैकेनिज्म डिफरेंट फ्रॉम दैट यूज बाय बैक्टीरिया, हमारे जो सेल्स हैं वो भिन्न प्रकार के मैकेनिज्म से नया सब्सटेंस बनाते हैं,
जो कि बैक्टीरिया के मैकेनिज्म से अलग है। वी हैव टू फाइंड अ ड्रग दैट ब्लॉक द बैक्टीरियल सिंथेसिस पाथवे विदाउट अफेक्टिंग आवर ओन। हमें ऐसी दवाई ढूंढनी है जो बैक्टीरिया के बनने की क्रिया का जो मार्ग है उसको ब्लॉक कर दे, बजाय हमारे सेल्स के जो बनने की क्रिया है उसको प्रभाव डाले बिना, यानी हमारे जो सेल्स का मैकेनिज्म है उस पर कोई इफेक्ट ना हो, बल्कि बैक्टीरियल सिंथेसिस जो है उसके ऊपर उसका जो मार्ग है उसको ब्लॉक कर दे। दिस इज वॉट इज अचीव्ड बाय एंटीबायोटिक दैट वी आर ऑल फैमिलियर विथ। दिस इज यही चीज़ है जो हम अपनी एंटीबायोटिक से प्राप्त करते हैं और इस चीज़ के बारे में हम सभी जानते हैं। सिमिलरली ठीक इसी प्रकार से देयर आर ड्रग दैट किल प्रोटोजोआ सच एज मलेरिया पैरासाइट। देयर आर ए ड्रग दैट किल प्रोटोजोआ, इससे एक ड्रग है जो प्रोटोजोआ को किल कर देती है। प्रोटोजोआ क्या होता है, जैसे कि मलेरिया पैरासाइट, वो प्रोटोजोआ की जाति में आता है, स्पीशीज में आता है। तो ऐसी दवाइयाँ हैं जो मलेरिया पैरासाइट को मार देती हैं। वन रीजन वाई मेकिंग एंटीवायरल मेडिसिन इज हार्डर देन मेकिंग एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन इज दैट वायरस हैव फ्यू बायोकेमिकल मैकेनिज्म फॉर देयर ओन। एक कारण कि क्यों हम एंटीवायरल मेडिसिन जो है थोड़ी हार्ड बनाते हैं देन मेकिंग एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन की तुलना में एंटीवायरल मेडिसिन जो है वो थोड़ी हार्ड होती है, स्ट्रांग होती है, ज़्यादा पावर की होती है। क्यों? क्योंकि जो वायरस होता है उसका अपना खुद का बायोकेमिकल मैकेनिज्म होता है। दे एंटर आवर सेल एंड यूज आवर मशीनरी फॉर देयर लाइफ प्रोसेस। वो हमारे सेल में, हमारी कोशिका में एंटर करता है और हमारी जो मशीनरी, हमारी जो क्रियाविधि है वो उसको यूज करता है अपने लाइफ प्रोसेस को बढ़ाने के लिए। दिस मीन्स दैट, इसका मतलब है देयर आर रिलेटिवली फ्यू वायरस स्पेसिफिक टारगेट टू एम ए। इसका मतलब है कि इससे जुड़े हुए कुछ वायरस हैं विशेष तौर से जो इस चीज़ को टारगेट करते हैं। ये उद्देश्य होता है कि जो हमारे सेल्स की जो मशीनरी है उसको अपने लाइफ प्रोसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं और मल्टीप्लाई हो जाते हैं, बहुत तीव्र गति से बढ़ जाते हैं। देयर आर नाउ इफेक्टिव एंटीवायरल ड्रग। अब क्या है, इफेक्टिव एंटीवायरल ड्रग हैं, फॉर एग्जाम्पल ड्रग दैट कीप एच आई वी इन्फेक्शन अंडर कंट्रोल। जैसे कि ड्रग कौन कौन सी दवाइयाँ, दवाइयाँ ऐसी हैं जो एच आई वी इन्फेक्शन को जो है नियंत्रण में रखती हैं। 13.3.5 प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन, रोकथाम के सिद्धांत। किसी बीमारी को आप कैसे रोक सकते हैं, उसके लिए क्या क्या सिद्धांत होंगे। ऑल ऑफ व्हाट वी हैव टॉक्ड अबाउट सो फार डील्स विद हाउ टू गेट रिड ऑफ एन इन्फेक्शन इन समवन हु हैज डिजीज। अब तक हमने इस चीज के बारे में बात करी है कि कैसे कोई व्यक्ति अगर बीमारी से ग्रसित है तो उससे कैसे छुटकारा पाया जाए, उससे कैसे मिटाया जाए उस बीमारी को। बट देयर आर थ्री लिमिटेशन, सो दिस अप्रोच टू डीलिंग विद इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज के साथ में डील करने के साथ में तीन सीमाएं हैं जो जिनको कि हमें अप्रोच करना होता है, तीन सीमाओं तक हमें पहुंचना होता है, पूरा करना होता है। द फर्स्ट इज दैट वन समवन हैज अ डिजीज। पहली बात, यदि किसी व्यक्ति को कोई बीमारी है, देयर बॉडी फंक्शन आर डैमेज्ड, उसके बॉडी फंक्शंस क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, एंड मे नेवर रिकवर कम्प्लीटली, और कभी भी पूरे तरीके से ठीक नहीं होंगे। द सेकेंड इज दैट ट्रीटमेंट विल टेक टाइम। दूसरी बात, ये किसके लिए, यहाँ किस बीमारी की बात हो रही है, एच आई वी इन्फेक्शन, एच आई वी एड्स के लिए बात हो रही है। पहली बात तो ये होगी कि जो है बॉडी फंक्शन, जिसको एच आई वी एड्स होगा उसके बॉडी फंक्शन जो है पूरे तरीके से डैमेज हो जाएंगे और वो कभी भी रिकवर नहीं होंगे, पूरे तरीके से ठीक नहीं होंगे। मतलब अगर ठीक होंगे तो कुछ परसेंट काम करेंगे, वो नॉर्मल सिचुएशन में काम नहीं करेंगे जैसे पहले कार्य करते थे। दूसरी बात क्या होगी, दैट ट्रीटमेंट विल टेक टाइम। जो ट्रीटमेंट है, जो इलाज है, उसमें समय लगता है एच आई वी एड्स के जो पेशेंट होते हैं। विच मीन्स दैट, इसका मतलब क्या है, समय लगता है, दैट समवन सफरिंग फ्रॉम डिजीज, वो व्यक्ति जो इस बीमारी से ग्रसित है, इज लाइकली टू बी बेड रिडन फॉर सम टाइम इवन इफ वी कैन गिव प्रॉपर ट्रीटमेंट। यदि हम उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट देते हैं तो वो उसके अपाइज होते तक की संभावना होती है उस व्यक्ति के, क्योंकि उसके कुछ बॉडी फंक्शन कार्य जो होते हैं रिकवर हो जाते हैं, कुछ ऐसे बॉडी पार्ट्स के फंक्शन होते हैं जो रिकवर नहीं हो पाते, तो उसके अपाइज होने की संभावना होती है पूरे तरीके से। द थर्ड इज दैट, तीसरी बात क्या है, पर्सन सफरिंग फ्रॉम एन इन्फेक्शियस डिजीज, वो व्यक्ति जो इस संक्रामक बीमारी से ग्रसित है, कैन सर्व एट द सोर्स फ्रॉम वेयर द इन्फेक्शन मे स्प्रेड टू अदर पीपल। कैन सर्व एट द सोर्स, वो एक सोर्स के रूप में सर्व करे अपने आप को, सेवा करे एक स्रोत के रूप में, लोगों को ये बताए कि फ्रॉम वेयर द इन्फेक्शन मे स्प्रेड टू अदर, कि ये जो बीमारी है ये दूसरों तक ना फैले। ये भी एक तरीके की सेवा है कि अगर आपको कोई इन्फेक्शन हो गया है तो आप कोशिश करें कि आपके माध्यम से वो दूसरों तक ना फैले। दिस लीड टू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एवर डिफिकल्टीज। ऊपर दी गई परेशानियों के बढ़ने के कारण इसका प्रभाव क्या होता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है।
It is because of such reason that prevention the disease is better than their cure. इसी कारण से, इस तरह के कारण की वजह से, that prevention disease बीमारी को रोकना ही उसके ठीक होने से अच्छा है. यानी कि आप कोशिश करें कि आपको बीमारी ही ना हो. How can we prevent disease? हम बीमारी को कैसे रोक सकते हैं? There are two ways. उसके दो तरीके हैं. One general and one specific to each disease. प्रत्येक बीमारी के लिए एक सामान्य और एक विशेष तरीका होता है उसे रोकने के लिए. The general way of preventing infectious mostly relate to preventive exposure. एक साधारण तरीका यह है संक्रामक बीमारी को रोकने के लिए कि आप एक्सपोजर में प्रिवेंट करें, मतलब खुले में ना जाएं, वायु और हवा और धूप के संपर्क में कम से कम रहें. How can we prevent exposure to infectious microbe? हम खुले में जो इन्फेक्शियस माइक्रोब है उसको कैसे रोक सकते हैं? If we look at means of their spreading, यदि हम उसके फैलने के माध्यम को देख लें कि ये जो माइक्रोब्स हैं ये खुले में किस प्रकार से फैलते हैं, अगर हम उस माध्यम को देख लें, समझ लें, तो हम उस माध्यम को ट्रीट करके कि ये इस माध्यम से ये बीमारी हमारे शरीर में प्रवेश कर सकती है, तो हम उस चीज़ को कंट्रोल करके बीमारी को रोक सकते हैं. वी कैन गेट सम इजी आंसर, हमें कुछ आसान उत्तर मिलते हैं, मिल सकते हैं. फॉर एयरबोर्न माइक्रोब, जो हवा में उत्पन्न होने वाले माइक्रोब के लिए है, वो क्या है? वी कैन प्रिवेंट एक्सपोजर बाय प्रोवाइडिंग लिविंग कंडीशन दैट आर नॉट ओवरक्राउड. हम एक्सपोजर को रोक सकते हैं कैसे? लिविंग कंडीशन को प्रोवाइड करके जो कि क्या है, बहुत ओवरक्राउडेड नहीं, बहुत भीड़ भाड़ वाली नहीं है, इस तरीके से हम रोक सकते हैं. फॉर वाटर बॉर्न डिजीज माइक्रोब्स, जो पानी से उत्पन्न होने वाले माइक्रोब्स हैं, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? वी कैन प्रिवेंट एक्सपोजर बाय प्रोवाइडिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर. वी कैन प्रिवेंट एक्सपोजर, हम खुले में जो है इस चीज को रोक सकते हैं कैसे? साफ ड्रिंकिंग वाटर देकर, यानी जो पानी है उसको खुले में नहीं छोड़ें, और जो भी आप पानी पिए उसको सेफ हो, वो प्यूरिफाइड वाटर हो, तो साफ पानी पिए, तो इसके कारण वाटर बॉर्न माइक्रोब उत्पन्न नहीं होंगे, इससे वाटर बॉर्न डिजीज नहीं होंगे. दिस कैन बी डन, ये किया जा सकता है. कैसे किया जा सकता है? सेफ ड्रिंकिंग वाटर कैसे प्रोवाइड किया जा सकता है? बाय ट्रीटिंग द वाटर टू किल एनी माइक्रोबियल कंटेमिनेशन. जो पानी है उसको आप ट्रीट करें, उसमें कोई भी माइक्रोबियल कंटेमिनेशन हो उसको मारकर उसको शुद्ध करके पिए. फॉर वेक्टर बॉर्न इन्फेक्शन, वेक्टर बॉर्न इन्फेक्शन के लिए क्या कर सकते हैं हम? वी कैन प्रोवाइड क्लीन एनवायरमेंट, हम साफ एनवायरमेंट दे सकते हैं. दिस वुड नॉट, ये नहीं होगा. साफ एनवायरमेंट आप कैसे दे पाओगे? लेकिन हम एनवायरमेंट में अपने आप को साफ रखने के लिए कुछ तरीके एनवायरमेंट कर सकते हैं. साफ एनवायरमेंट का मतलब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल, इसको एक उदाहरण से समझते तो आपको अच्छे से समझ में आएगा. अलाउ मॉस्किटो ब्रीडिंग, कि मच्छरों को आप मच्छरों को इस तरीके का एनवायरमेंट ही मत दें. मच्छर कहाँ पनपते हैं? जहाँ गंदगी होती है और वहीं पे वो अंडे देते हैं, तो आप उन्हें ब्रीडिंग के लिए, अंडे देने के लिए अलाउ ही ना करें. इसके लिए जरूरी है आप एटमॉस्फेयर को साफ रखें. साफ कैसे रखें? पानी मत इकट्ठा होने दें जिसमें मच्छर आके बैठेंगे, गंदगी ना रहने दें आसपास जिससे मच्छर आए, मतलब किसी भी प्रकार से आप मच्छर को इनविटेशन मत दें, उस तरीके का माहौल ना क्रिएट करें. आसपास का माहौल जो है, एनवायरमेंट जो है, क्लीन रखें जिससे कि मॉस्किटो की ब्रीडिंग ना हो, मच्छर अंडे दे ही ना पाए. तो मच्छर जब अंडे नहीं देगा तो मच्छरों की संख्या ज्यादा नहीं होगी. इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए, पब्लिक हाइजीन इज वन बेसिक की टू द प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन डिजीज. संक्रामक रोगों को रोकने के लिए लोगों का हाइजीन रहना और आसपास के माहौल को, एनवायरमेंट को साफ सुथरा रखना ही बेसिक की है. इन एडिशन टू दीज इशू, इस इशू के अलावा दैट रिलेट टू द एनवायरमेंट, जो एनवायरमेंट से जुड़ा है वो क्या है? देयर आर सम अदर जनरल प्रिंसिपल, कुछ और दूसरे साधारण सिद्धांत भी हैं टू प्रिवेंट इन्फेक्शन डिजीज, संक्रामक बीमारी को रोकने के लिए. वो क्या है? टू अप्रिशिएट दोज प्रिंसिपल, उन प्रिंसिपल्स को, उन सिद्धांतों को आप लागू करें, अप्रिशिएट करें. लेट अस आस्क अ क्वेश्चन वी हैव लुक्ड एट सो फार, आइए एक प्रश्न पूछते हैं, ज्यादा दूर नहीं, अब तक ज्यादा दूर नहीं गए हम इस बात को लेके. एक प्रश्न हम पूछते हैं जनरली, नॉर्मली वी आर फेस्ड विद इन्फेक्शियस एवरीडे, हम डेली जो है संक्रमण को फेस करते हैं, मतलब हमारे आसपास जो है किसी न किसी रूप में संक्रमण रहता है. वी आर फेस्ड विद इन्फेक्शंस एवरीडे, इफ समवन इज सफरिंग फ्रॉम अ कोल्ड एंड कफ इन द क्लास, यदि क्लास में किसी भी बच्चे को कफ कोल्ड हो रहा है, खांसी जुकाम हो रहा है, इट इज लाइकली दैट द चिल्ड्रन सिटिंग अराउंड विल बी एक्सपोज टू द इन्फेक्शन, तो जो बच्चे उसके चारों तरफ बैठे हैं उनमें ये एक्सपोज हो जाएगा, उस बच्चे के माध्यम से ये
पूरे एटमॉस्फेयर में एक्सपोज हो जाएगा। बट ऑल ऑफ देम डू नॉट एक्चुअली सफर फ्रॉम द डिजीज, लेकिन उन सभी को ये बीमारी नहीं होगी। अगर एक बच्चे को खांसी जुकाम हो रहा है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पूरी क्लास को ही खांसी जुकाम हो जाएगा। क्यों नहीं होगा, वाई नॉट, अब ये बताते हैं आपको कि क्यों नहीं होगा, रीजन क्या है उसके पीछे। दिस इज बिकॉज द इम्यून सिस्टम ऑफ आवर बॉडी इज नॉर्मली फाइटिंग ऑफ माइक्रोब। ये हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक जो क्षमता का हमारा सिस्टम है, उसके कारण होता है जो माइक्रोब से लगातार लड़ता रहता है। वी हैव सेल दैट स्पेशलाइज इन किलिंग इन्फेक्शन माइक्रोब। हमारे पास वो सेल हैं जो इन्फेक्शन माइक्रोब्स को मार देते हैं। दीज सेल्स गो इन टू एक्शन ईच टाइम इन्फेक्टिंग माइक्रोब एंटर द बॉडी। जैसे ही इन्फेक्टिंग माइक्रोब शरीर में प्रवेश करता है, प्रत्येक सेल जो होता है वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इफ दे आर सक्सेसफुल, और यदि ये सफल हो जाते हैं, वी डू नॉट एक्चुअली कम डाउन विद एनी डिजीज, तो हमें कोई भी बीमारी नहीं होती। द इम्यून सेल्स मैनेज टू किल ऑफ इन्फेक्शन लॉन्ग बिफोर इट अज्यूम मेजर प्रपोर्शंस। इम्यून सिस्टम जो है, जो भी इन्फेक्शन होता है लंबे समय तक, उसको मार देता है। लेकिन लेकिन यह अनुपात मान लिया गया है कि बड़े से बड़े इन्फेक्शन को इम्यून सिस्टम मार सकता है। एज वी हैव नोटिस अर्लियर, जैसा कि हमने पहले भी नोटिस किया था, इफ द नंबर ऑफ इन्फेक्शन माइक्रोब इज कंट्रोल्ड, यदि इन्फेक्टिंग माइक्रोब्स का जो नंबर है, जो संख्या है, वो नियंत्रण में है, द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजीज विल बी माइनर, तो जो बीमारी के जो लक्षण है वो बहुत कम दिखाई देंगे। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, बिकमिंग एक्सपोज्ड टू और इन्फेक्टेड विद एन इन्फेक्शियस माइक्रोब डज नॉट नेसेसरी मीन डेवलपिंग नोटिसेबल डिजीज। दूसरे शब्दों में कहा जाए, बिकमिंग एक्सपोज टू एन इन्फेक्टेड विद अ इन्फेक्शियस माइक्रोब, इन्फेक्शियस माइक्रोब से इन्फेक्ट होने के बाद या फिर खुले में एक्सपोज होने के बाद, डज नॉट नेसेसरी, ये जरूरी नहीं है कि अगर आपकी बॉडी के अंदर वो माइक्रोब चला गया, इन्फेक्शन हो गया, मीन डेवलपिंग नोटिसेबल डिजीज, तो कोई बहुत भयंकर बीमारी हो जाए, कोई नोटिसेबल डिजीज हो जाए। क्योंकि अगर आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, तो कितना भी स्ट्रांग माइक्रोब आपकी बॉडी के अंदर जाएगा, वो उसको किल कर देगा। सो वन वे ऑफ लुकिंग एट सेवर इन्फेक्शन डिजीज इज दैट इट रिप्रेजेंट अ लैक ऑफ सक्सेस ऑफ द इम्यून सिस्टम। वन वे ऑफ लुकिंग एट सेवर इन्फेक्शन डिजीज, एक बात जो हमें दिखाई देती है गंभीर संक्रामक रोगों में, वो ये है कि रिप्रेजेंट द लैक ऑफ सक्सेस ऑफ इम्यून सिस्टम। उसमें क्या है, हमारी जो रोग प्रतिरोधक प्रणाली है उसकी सफलता की कमी दिखाई देती है, इस कारण से हमें गंभीर रोग, संक्रामक रोग हो जाते हैं, कि हमारा बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो प्रॉपर वर्क नहीं करा, इस कारण से हम बीमार हो गए। द फंक्शनिंग ऑफ द इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम का जो कार्य है, लाइक एनी अदर सिस्टम इन आवर बॉडी, वो वैसे ही है जैसे कि हमारी बॉडी के अदर पार्ट्स, अदर सिस्टम का जो कार्य है, विल नॉट बी गुड इफ प्रॉपर एंड सफिशियंट नरिशमेंट एंड फूड इज नॉट अवेलेबल। हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम का जो कार्य है वो ठीक से नहीं होगा यदि हमें सफिशियंट नरिशमेंट, जितनी आवश्यक है उतने पोषक तत्व खाने में ना मिलें, और हमें एक स्वस्थ हेल्दी खाना उपलब्ध ना हो, यानी फुल ऑफ न्यूट्रिशन फूड आपको ना मिले, एक ऐसा खाना जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व हों। जब तक आपको ऐसा खाना नहीं मिलेगा, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं होगा। देयरफॉर, इसलिए द सेकंड बेसिक प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, संक्रामक बीमारी को रोकने के लिए दूसरा जो बेसिक सिद्धांत है वो क्या है, इज द अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर एंड सफिशियंट फूड फॉर एवरीवन। हर व्यक्ति को आवश्यक और प्रॉपर खाना मिले, यानी हर व्यक्ति को पोषक तत्वों से भरपूर भोजन मिले, इससे आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, और आप, जब आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे।